ओह, दिस इज दैट ब्यूटिफुल लैम्प दैट आई सॉ। क्योंकि आपको पता है आजकल हमारी थीम वो चल रही है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। इसे डेकोर के लिए यूज कर सकते हो। आज यहाँ आने तक मेरी दीदी को नहीं पता था। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ मंडे स्पेशल व्लॉग। और आज का दिन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आज पहली बार मैं अपने सब्सक्राइबर को उनके बर्थडे पे सरप्राइज देने वाली हूँ। एग्जैक्टली ये क्या है आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी सुबह उठ चुके हैं, पूरा दिन आप बिताओगे। मेरे पास एक बड़ा सा पैकेज भी है जो मैंने काफ़ी प्यार से मंगवाया है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। एंड आई एम होपफुल ये जो मंडे वाला दिन आप मेरे साथ देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो आज एकदम बेसिक सा ब्रेकफास्ट मैं बनाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में है कॉर्न चाट, इसमें कॉर्न्स हैं, मिर्ची है, ब्लैक पेपर है, नींबू है, और अब इसमें थोड़ा बटर डाल के 30 सेकेंड माइक्रोवेव करना है एंड देन इट बी गुड। इसे खाते हैं फिर मिलती हूँ। मैं खाना पीना हो चुका है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज क्या होने वाला है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो इंडिया में रहते हैं, उनका जो ब्रदर है वो यहाँ रहते हैं टेक्सस में, और उन्होंने मुझे रीच आउट किया था ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले कि जो उनकी सिस्टर है उनका आज बर्थडे है और वो न्यूयॉर्क और यू नो जर्सी सिटी और ये सब एरिया घूमने आने वाले हैं। आई वाज लाइक अच्छा, तो उन्होंने बोला क्या तुम मिल सकती हो? आई वाज लाइक अच्छा, मतलब मैं तो नहीं जानती भी नहीं, बट हाँ क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो मुझे लगा अपनी तरफ से मेरी तरफ से गिफ्ट होगा कि मैं उनसे मिलूं और मुझे ऐसे उनके चेहरे पे वो जो खुशी है वो देखनी है। सो आई वाज लाइक लेट्स डू इट। मतलब उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा बात हुई है और मुझे उनके ब्रदर का वो आइडिया बड़ा सही लगा कि मतलब उनकी सिस्टर आ रही है और उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और मतलब वो मुझे मैसेज भी उन्होंने कल किया कि यू नो वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। आई वाज लाइक चलो अच्छा है। उनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट भी लिया है, एक चॉकलेट छोटी वाली और एक कैंडल, तो ये मैं अपनी तरफ से उनको दूंगी मतलब उनके बर्थडे पे। तो मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब मेरे को ऐसे मिलना है बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट टू सी मी, बट आई एम एक्साइटेड। मतलब उनका बर्थडे और मेरी वजह से वो थोड़ा सा खुश हो जाए तो मुझे वो काफ़ी सही लगता है। अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास कुछ है जो मैंने मंगाया था, अभी आपको वो दिखाती हूँ। तो अभी हम अपना घर सेटल डाउन कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि घर सेटल डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम हर चीज़ शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो अभी किचन और घर को सजाने के लिए मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है फ्रॉम temu.com। प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल थे और ऐसे मुझे क्वालिटी देखने में बहुत ज़्यादा सही लग रही थी। एग्जैक्टली इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मैंने मंगाया है वो दिखाती हूँ अभी। ये है मेरा खजाना जो मैंने मंगाया है। अभी देख के लग रहा है इसमें इतना सारा सामान मैंने मंगाया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लग रही हैं। तो इसके अंदर मतलब ओह माय गॉड, बहुत सारा मेरा छोटा छोटा सामान है और एग्जैक्टली इसके अंदर क्या मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने मंगाया ये मुझे चाहिए था। तो ये एक बास्केट है, इसमें आप अपना कुछ भी कॉस्मेटिक का है कुछ भी सामान रख सकते हो। मैंने मंगाया है ऐसा एक बोल गोल्डन वाला, मैं इसे डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपने घर में ऐसे इसके ऊपर कुछ फ्रेगनेंस वाला सामान रखना है वो भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मंगाया है, मैंने लेवेंडर सेंट्स मंगाए हैं। ये मैंने ऐसे ज्वेलरी रखने के लिए, अगर आपको आप छोटी छोटी रिंग्स रखनी है या फिर इयर रिंग्स रखनी है तो मैंने ये भी मंगाया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वन के मिटन्स और ये वो जो हाथ में पकड़ने वाला होता है वो मंगाया है मैंने। एक मैंने वुडन स्पैचुला मंगाया है, नाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने ऐसे छोटे वाले कोस्टर्स मंगाए हैं, तो ये क्योंकि आपको पता है आजकल हमारी थीम वो चल रही है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। आई थिंक इट्स अ स्मॉल लैम्प दैट आई ऑर्डर्ड। मुझे ना नाइट लैम्प एक चाहिए था काफी ज्यादा टाइम से। ओह नाइस, नाइस ना। ओह नाइस, इसको इसके ऊपर रखेंगे और आप इसे प्लग इन कर सकते हो तो ये काफी सही लगेगा, काफी इंटरेस्टिंग। एक और बॉक्स लग रहा है और इसको खोलते हैं कि इसके अंदर क्या है। और अभी तक जो क्वालिटी ऑफ सामान है ना काफी सही लग रही है, मतलब ये देख लो या फिर ये वुडन स्पैचुला, मेरी बास्केट या फिर ये मेरा फेवरेट, ये काफ़ी सही लग रहा है। प्राइजेस अफोर्डेबल हैं, वैरायटी बहुत सारी है एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या, शिपिंग फ्री है। तो अगर आपको कुछ भी मंगाना है आप मंगा सकते हो और अगर आपको पसंद ना आए तो आप 90 डेज में वापस रिटर्न भी कर सकते हो, तो वो बहुत सही है। तो अभी इसमें से ये निकला, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पूरा ग्लास का है, तो ये चीयर समर ड्रिंक्स के लिए काफ़ी सही है। तो एक और बॉक्स है उसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है। ओह, दिस इज दैट ब्यूटिफुल लैम्प दैट आई सॉ। वेरी वेरी ब्यूटिफुल यार,
मेरा पर्सनल फेवरेट अभी तक बन गया है ये। काफ़ी सारी काम की चीज़ें मंगाई है मैंने, घर को यू नो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने थोड़े से ऑर्गेनाइजर भी मंगाए हैं, कपड़े वपड़े रखने के लिए ताकि कैटेगरी में चीज़ें आ जाए। किचन का काफ़ी सारा सामान मंगाया है, होम डेकोर का काफ़ी ज़्यादा सामान मंगाया है। अभी तक की इतनी सारी शॉपिंग आपको कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अभी टीमू पे चल रही है साइट वाइड सेल, और अगर आप शॉप करोगे तो अप टू 90% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना। 100 कूपन्स आपको फ्री मिलेंगे। मेरा कूपन कोड है PIC6939, अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको एडिशनल 30% ऑफ भी मिलेगा फॉर न्यू यूजर्स ओनली। एज ऑफ नाउ ये सारा सामान पैक करती हूँ और घर में लगाना शुरू करती हूँ। एंड अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, 5 मिनट में आई विल बी देयर। एंड मतलब अ पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी एक्साइटेड, अ पार्ट ऑफ मी इज़ लाइक कि आई एम होपफुल कि वो खुश हो एंड शिल बी सरप्राइज टू सी मी, और उन्हें मेरा छोटा सा गिफ्ट पसंद आए। मेरी जो पर्सनैलिटी है ना वो देखने में काफ़ी आउट गोइंग और आउट स्पोकन लगती है। अ पार्ट ऑफ मी इज़ लाइक दैट ओनली, बट अ पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी वेरी शाय, तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ। बट ठीक है, ओके, जब अभी उनसे मिलते हैं तब मिलती हूँ। और जिन्होंने मुझे बुलाया था वो ये है, हेलो हाय। एंड पता है क्या, अब मैं इस शायद उसका टाइटल रख दूंगी, भाई हो तो ऐसा और पति हो तो ऐसा। तो इन्होंने मुझसे 15 दिन पहले हम लोग प्लान कर रहे थे, है ना? Yeah. और कितना मेहनत लगा आपको सरप्राइज रखने में? हाँ, छुपाने में मेहनत जरूर लगा। बीवी को बताना जरूरी है। हाँ. क्योंकि बीवी को ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे फोन कैसे छुपा रहे हो। हाँ. और डीसी आने के बाद चूंकि मेरे जीआई किसी और से प्लान कर रहे थे मिलने का, तो मैंने कहा मत करिए मत करिए। हाँ. फिर जीआई को बताना पड़ा। हाँ. जब इनको बता रहे थे तो मेरे भांजो ने सुना। हाँ. तो उनको मैंने गुस्से से बोला चुप रहने का। और फिर आज यहाँ आने तक मेरी दीदी को नहीं पता था। और मैं आज अपने भाई को बताने वाली हूँ, भाई हो तो ऐसा। मैं टिप्स के लिए प्रशांत को भी फोन करूंगी, बहुत अच्छे सरप्राइज प्लान करते हैं। और आपको कैसा लग रहा है यूएस? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फर्स्ट विजिट है। हाँ। और हम लोग रेगुलर रितु के वीडियोस देखा करते हैं, रेगुलर देखते हैं। तो कितने साल हो गए लगभग? मुझे लग रहा है 6-7 साल 8 साल हो गए। इतना तो टाइम ही नहीं हुआ। अरे नहीं, ये गुड वन, 3 साल से रेगुलर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो भी वीडियोस आते हैं रेगुलर हम लोग देखते हैं। और आप मेरी फैमिली को भी जानते हो, अभी हमारी काफी बातें हुई। एक एक मेंबर को सबको जानते हैं, है ना? चलो तो, सही है सही है। एंड वी ऑल्सो हैव अ बर्थडे गर्ल, नमस्ते। तो मैं इनसे मिलने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे वीडियो। बहुत अच्छा लगा, बहुत तो सही है। अच्छा, वो थोड़ा कैमरा शाय है। और जो इनके हस्बैंड, इन्होंने कैमरा, इन्होंने बाय द वे सरप्राइज प्लान किया था। और बाकी सब लोग भी, हस्बैंड ने सरप्राइज प्लान किया है और वो सरप्राइज प्लान करने के में बहुत ही माहिर है। हाँ, बट बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था। हाँ, जैसे आप बोले कि भाई हो तो ऐसा, तो पति हो तो वो भी ऐसा हो। उनको ये तो आइडियल है, भगवान राम आ गए आज। बोल रही हूँ क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि मैं कभी तारीफ करती नहीं हूँ। हाँ, आज ऑन कैमरा लाखों लोग देखेंगे। हाँ, seeing this on camera, but appreciation भी जरूरी है। So this gets recorded, तो उनको कभी कंप्लेन ना हो इस चीज का। बस हो गया, आप forever, जब भी लड़ाई हो तो अलबेली ऋतु ये वाला व्लॉग चला के बिल्कुल खोलने का, मैं ड्यूरेशन बता दूंगी। एक सेकंड, हमारी जो बर्थडे गर्ल है वो थोड़ी शाय है, लेकिन बर्थडे गर्ल की मम्मी बोली कैमरा खोलो मैं बात करूंगी। हाँ बोलो आप। यहाँ देखो, ऐसा दामाद मिलना बहुत मुश्किल है, रियल में मैं बता रही हूँ, सच दिल से बोल रही हूँ, ऐसे नहीं। हाँ, खाली ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही हूँ अपने दामाद की। अमेरिका में मजे आ रहे हैं आपको? बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत ही ध्यान रखा है मेरी मम्मी का, बहुत ध्यान अभी भी रख रहे हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप भी हेलो बोल दो। हेलो, हेलो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? काव्या। और आपके दांत कहाँ गए? चलो फेरी ले गई, टूथ फेरी ले गई। अभी दो ब्यूटीफुल वापस आने वाले हैं, फिर हम मिलेंगे तब दिखाना मुझे, ठीक है? चलो बाय बाय। अभी मैं वापस घर जा रही हूँ। इट वाज सो मच फन टू मीट देम। बर्थडे गर्ल से मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें की तो वो काफी सही था। प्रशांत को पीपल वो मिसिंग राइट लेफ्ट एंड सेंटर। प्रशांत का ऑरा ऐसा है कि अगर मेरे साथ प्रशांत ना आए तो सब प्रशांत के बारे में जरूर पूछते हैं। एंड अभी मंडे वाला दिन है एंड ही इज वर्किंग टुडे, सो ही वाज़न्ट देयर, बट मे बी सम अदर डे। अभी घर चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं एंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं प्रशांत? वापसी सामान करने? ठीक है, और हमारा अमेज़न से जितना सामान आता है उतना वापस भी होता है, तो अभी हम ठीक। और आज का जो मौसम है वो एक्सट्रीमली विंडी और मैं प्रशांत मस्त अपने शॉर्ट्स पहन के आ गए हैं। तो रितु ने बोला कि बहुत गर्मी वापस आई, बोल रही बहुत गर्मी से मर गई, तो मैंने सोचा गर्मी होगी यार। अभी इवनिंग में मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट्स पहन के आ गए।
और बाय द वे इस एरिया में यहाँ पे ये जो गूज है ये बहुत सारे दिखेंगे आपको और ये बंच में रहते हैं और अभी आज इनकी बच्चा पार्टी नहीं दिख रही, अदरवाइज इनकी बहुत सारी बच्चा पार्टी भी होती है और बच्चे इनके पीछे पीछे भागते हैं तो एक टाइम तक ये ठीक रहता है, फिर उसके बाद ये बच्चों को ऐसा भगाते हैं, याद है बच्चे इनके पीछे पीछे भागते हैं और बच्चे बहुत तंग करते हैं बच्चे और ठीक है। और अभी हम लोग थोड़ा आगे वॉक करने जा रहे हैं और आज हम वाटर फ्रंट के पास वॉक नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो आगे हम थोड़ा अंदर अंदर से वॉक करेंगे और फिर घर जाएंगे। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, एक आइसक्रीम शॉप है जर्सी सिटी में, उसका नाम है टूरिको आइसक्रीम और काफ़ी फैमिली बिजनेस टाइप आइसक्रीम है और यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में, बट इनके फ्लेवर्स बड़े अमेजिंग होते हैं और हमने ऑलमोस्ट बहुत पहले ट्राई किया था तो आई गेस अभी हम 1.5 साल बाद यहाँ पे आए तो वो ट्राई करते हैं और फिर मिलते हैं। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं और ये आइसक्रीम बड़ी सही है, बड़े मज़े आ रहे हैं खा के और हम बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, स्पेशली द फ्लेवर लीची वो बहुत ही सही है। लाइची याद है मैं रेडियो में थी लंदन में और मैं लीची को नहीं लाइची को लीची करती रहती थी एंड मेरे पास आके वो ब्रिटिश एक्सेंट में मुझे बोलते थे इट इज लाइची नॉट लीची, आई वाज लाइक ओके सॉरी। अभी हम लोग घर चलते हैं और घर जाके मिलते हैं। इसी के साथ हमारी इवनिंग वॉक खत्म होती है, आई एम होपफुल आपको मजे आए होंगे, डे इन माय लाइफ व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज टेक केयर, गुड नाइट, टाटा।